ट्रैक्टर पर जो है वो पार्किंग है, पार्किंग के लिए मान लो पार्किंग में काम आया, पार्किंग यही है बस। नीचे से पार्किंग रहे तो मेन गेट को नहीं, गेट से पार्किंग है पूरी, जब वो बढ़ जाए तो पार्किंग यही है, पार्किंग के अलावा कुछ बोलते नहीं है, पूरी पार्किंग हो जाए सड़क पर, क्या तक पेड़ है पार्किंग, पार्किंग है। नदी या नहर पर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSA न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद के भरतना क्षेत्र में, जहां श्री पागल बाबा ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम ट्रस्ट भरतना के द्वारा एक कथा का आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी हमारे साथ में बातचीत करते हैं, क्या कार्यक्रम है और कितने दिनों तक चलेगा? कल जो है कल से शुरू होगा, कल कलश यात्रा है, 4 तारीख को भंडारा होगा, बहुत बड़ा विशाल महागरुड़ पुराण की महाकथा है, पहली बार महाभारत भागवत कथा के रूप में महागरुड़ पुराण यहाँ पे हो रहा है पहली बार। दिल्ली से है महाराज जी, लेकिन बोले अपना एड्रेस वृंदावन का लिखते हैं, राम जी नाम है उनका, वो आ रहे हैं, वो परसों से कथा शुरू हो जाएगी, कल कलश यात्रा है, बहुत भव्य जो है विशाल आयोजन होना है, बहुत विशाल आयोजन है। और पंचतत्व विलीन स्थल पर ये आयोजन होगा ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम के सौजन्य से। तो देखा महाराज जी ने जिस तरीके से बताया, यहाँ जो कार्यक्रम है वो कल से जिसकी शुरुआत होगी और यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। ये भरतना क्षेत्र का ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम है, जहाँ पर इस तरह का ये कार्यक्रम है जो किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो महाराज जी हैं वो वृंदावन से यहाँ पर आएंगे और काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ भी देखने के लिए मिलेगी। और किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते लगातार? सांस्कृतिक कार्यक्रम सबसे ज़्यादा तो यहाँ दुर्गा पूजा का कार्यक्रम विशेष है, पागल बाबा जी का जन्मोत्सव होता है और मंदिर का जो है 18 जनवरी को जो है वो होता है, यहाँ पे वार्षिक उत्सव वो बहुत विशाल होता है, शिवरात्रि होती है, होली का उत्सव होता है बहुत विशाल, रक्षाबंधन पे होता है, यहाँ साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। अब आपने जो पंचतत्व विलीन जो स्थल बनवाया है, क्या इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है? हाँ, ये उपी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, पंचतत्व विलीन स्थल, हमारे पिताश्री को 16 साल पूरे हो गए, उनके उपलक्ष्य में गरुड़ पुराण की महाकथा रखी गई है। तो देखा आपने जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, इस तरह का ये कार्यक्रम है, कल से शुरुआत हो जाएगी। लगातार आप देखते रहिए MSA न्यूज़। अगर आपको कथा सुननी है तो यहाँ पर आइए और कल से इस कथा का आनंद लीजिए।